कारक का मारक के साथ मिलन हो गया तो एक चीफ मिनिस्टर जेल चला गया। तो शनि का प्यार करने का तरीका यह है, पहले परीक्षा लेगा, परीक्षा के बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ाएगा। द डे द मर्करी बिकम रेट्रोग्रेड द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। क्या एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ सेक्स को भी ड्राइव करता है? शुक्राणु इज इक्वल टू स्पर्म, स्पर्म इज इक्वल टू ऑल द सेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुक्र को पार्वती जी ने बोला ये मेरा बेटा है क्योंकि ये आपके शुक्राणु से बना है। अगर गोली चली भी तो बंदा मरेगा नहीं, इम्यूनिटी तो होगी। जैसे हर प्लैनेट किसी किसी सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, कोई स्पेसिफिक प्लैनेट है जिसपे जब हम बात वेल्थ मनी की करते हैं तो उस प्लैनेट का बहुत बड़ा हाथ होता है? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार एंड वंस अगेन आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है द उज्ज्वल शो, क्योंकि ये भी बहुत खास है। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्ज्वल चुग, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, और खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, बट टुडे इट विल बी सुपर इंटेंस व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, वेल्थ, फेम एंड सेक्स। व्हाट इज द इम्पैक्ट through astrology on all these four dimension? ये चार dimension जो बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, कहीं ना कहीं astrology कितना बड़ा strong इस पे role play कर रही है। बड़ी सुंदर चीज़ ये हुई कि I met somebody very खास, and the beauty is वो खुद एक बहुत well-versed stock trader रहे हैं, हैं आज भी, और उसके साथ धीरे 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 आज बहुत religiously astrology को practice करते हैं। तो जो समन्वय है एस्ट्रो साइंस और वेल्थ को मैनेज करने का, वो दोनों के दोनों समन्वय उनके अंदर है एज अ व्यक्तित्व। एंड ही इज नन अदर देन, उनका नाम, ही हैज अ वेरी गुड फॉलोअरशिप ऑन इंस्टाग्राम, एस्ट्रो राजन के नाम से वो बहुत मशहूर हैं, और 30,000 से बड़ी उनकी, 40,000 की उनकी इंस्टाग्राम फैमिली है। एंड ही इज टचिंग लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी, हेल्पिंग देम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पॉडकास्ट, सारे लोग जो कहीं ना कहीं पैसा, वेल्थ कैसे करनी है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट कैसे कोई कोई चीजें साइंटिफिकली इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं, इट इज फॉर यू। तो पूरा एंड तक देखना, बिकॉज हम ऐसे ऐसे एरियाज को टच करेंगे जो मजा आ जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स क्विकली वेलकम आवर टुडेज गेस्ट एस्ट्रो रंजन। राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आने के लिए, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। जय श्री राम जी। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में लाइफ की बहुत सारी डायमेंशंस पे लोग बोलते हैं, आपसे खासकर, चाहे आपने अध्ययन बहुत सारी जगहों पे करा है, बट खासकर सिंस यू आर फ्रॉम एन एंटरप्राइजिंग बैकग्राउंड और खुद आपने स्टॉक मार्केट में आज भी काम करते हैं, और तो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा क्या एस्ट्रोलॉजी के पास ऐसी पावर है कि एक आदमी को, वो कहते हैं ना रैक टू रिचेस, तो क्या वो स्थिति रैक टू रिचेस वाली की आदमी कहे कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं एक वेल्थ लेवल को अचीव कर सकता हूँ, क्या वहां पर एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा कैटलिस्ट का काम कर सकती है या नहीं? एस्ट्रोलॉजी पावर नहीं है, एस्ट्रोलॉजी मिरर है। ओके, मिरर माने हम क्या करें, गाइडेंस है। ओके, मतलब आपको एक रास्ता दे देती है। नो एस्ट्रोलॉजर इन दिस वर्ल्ड can give you one penny more than you have written in your destiny. Achha, okay. And no astrologer in this world can give you one millisecond over the destiny. Okay. तो मतलब आप जो कह रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि भाग्य में जो लिखा है उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, उससे ज्यादा जियोगे भी नहीं। ओके, बट एस्ट्रोलॉजी आपको नेविगेट करा देगी कि कैसे पकड़ना करा देगी, बिल्कुल। Okay, very nice. अगर कोई अल्पायु है, अल्पायु माने जिसकी जल्दी मृत्यु हो सकती है, तो मैं उसे हाँ कहीं ना कहीं बोलूंगा कि तू अपने सारे काम निपटा ले, टेक अ गुड टर्म इंश्योरेंस कि इफ एक्सीडेंट हैपेंस योर फैमिली शुड नॉट सफर, राइट, एंड दैट्स द वे ऑफ नेविगेटिंग, राइट। ओके, अगर आपको पता चल जाए कि रास्ते में बाढ़ आनी है, बारिश है, जाम लगा हुआ है, और आपने मैं नोएडा आया हूँ, मैं दिल्ली से नोएडा आया हूँ, बीच में रिंग रोड में जाम लगा हुआ था, मैं नोएडा तो पहुंचा, मैं रिंग रोड से नोएडा नहीं पहुंचा, नेवी, change the path.
I changed the path. Right. Navigation helped me reaching Noida in that particular time. Right. आपके लिए easy कर देता है आपको transcend करने के. Easy कर देता है समझने की acceptance okay. दे देता है. अच्छा तो अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी वेल्थ एस्ट्रोलॉजी मनी की ऐसे बहुत सारे हम अक्सर केसेस देखते हैं जहां पर लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उसके इक्वलेंट दे आर नॉट एबल टू अर्न उनकी एक एस्पायरेशन होती है कि यार मैं इतनी और उनको बड़े सारे ऐसे व्यक्ति दिख जाते हैं कि जो उतनी मेहनत नहीं करता उस लेवल का एक्यूमन नहीं होता और वो कहते हैं यार ये मेरे से 10 गुना ज्यादा कमा रहा है तो क्या ऐसे लोग जिनकी एक्यूमन लेवल है आईक्यू लेवल है मेहनत कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया बट पैसा नहीं कमा पा रहे एस्ट्रोलॉजी उनको कैसे हेल्प कर सकती है टू अर्न और बेटर नेविगेट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर ड्रॉबैक्स ओके फाइंडिंग योर ड्रॉबैक्स पराशर जी द ग्रेट महर्षि जो एस्ट्रोलॉजी के रचनाकार है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को कंपेल किया बुक्स में इन रिटन फॉर्म ग्रंथ के तौर पे वो क्या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस टू कवर द ओशन ऑफ द लाइफ ओके उनका ये छोटा सा मतलब है टेक इट एज अ गाइडेंस कवर द ओशन ऑफ द लाइफ एंड बी रिलैक्स तो आपने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू फाइंड ड्रॉबैक अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली मनी के संदर्भ में लक्ष्मी के संदर्भ में लक्ष्मी के संदर्भ में एस्ट्रोलॉजी में जनरल हम जो देखते हैं अमूमन तौर से वो क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं एक्चुअल में जब हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं ना पिछले 3-4-5 साल से वो लक्ष्मी नहीं है वो प्लेजर है वो शुक्र है ओके अर्निंग मनी इज समथिंग डिफरेंट कंज्यूमिंग मनी इज समथिंग डिफरेंट राइट हैविंग प्लेजर इज समथिंग डिफरेंट एंड हैविंग प्लेजर ऑन व्हाट कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट तो मनी है लक्ष्मी लक्ष्मी runs behind Vishnu. Okay, yes. Lakshmi runs behind Bilkul. Vishnu. Vishnu is Gyan. Right. Vishnu is any sort of expertise is considered Vishnu. Okay, ठीक है. आप किसी भी चीज में expert हो, आप Vishnu की category में आ गए. Right. चाहे आप अच्छे astrologer हो, तो लोग आपके पास अपने आप आएंगे. अच्छे marketer हो, लोग आपके पास अपने आप जिस भी फील्ड के आप मास्टर बन गए सो यू आर अ विष्णु इन अ सेंस यू आर विष्णु इन अ सेंस एंड द लक्ष्मी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ विष्णु करेक्ट बट ये जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है सटीक बात है बट जब हम एस्ट्रोलॉजी के स्पेसिफिक संदर्भ में बोलते हैं तो आप विष्णु हैं आप एक एरिया में मास्टर हैं दैट्स ट्रू मनी इज अ बाय प्रोडक्ट फेम इज अ बाय प्रोडक्ट बट एस्ट्रोलॉजी एज अ नेविगेटिंग टूल वो कहां पर काम करता है जब मान लेते हैं 3 लोग जो कि विष्णु है अपने अपने क्षेत्र में मास्टर है अपने अपने क्षेत्र में और डिफरेंट डायमेंशन पे वो लक्ष्मी को यानी कि वेल्थ को अटेन कर पा रहे हैं तो वहां एस्ट्रोलॉजी कैसे नेविगेट कराती है वहां एस्ट्रोलॉजी ऐसे नेविगेट कराती है आई नो अ मास्टर इन इलेक्ट्रिकल्स जिसको बल्ब चेंज करना आता है बिल्कुल ठीक जिसको बिजली की तार डालनी आती है अगर वो अपने गांव में काम करेगा उसको मिलेंगे 100 रुपए अगर वो टायर 2 सिटी में काम करेगा उसको मिलेंगे 500 बिल्कुल ठीक टीयर 1 में काम करेगा उसको 1000 अगर वो सिंगापुर चला गया उसको मिलेंगे उसी काम के 25,000 बिल्कुल ठीक अगर वो दुबई चला गया 30,000 बिल्कुल ठीक सो एस्ट्रोलॉजी टेल्स यू कि भाई अपने स्किल को कौन सी जगह पे लगाना है स्किल सेट तो सबके पास है द बेस्ट शेफ इन दिस वर्ल्ड इज नॉट अ बेस्ट रेस्टोरेंट ओनर राइट The best restaurant owner is just working with mind and management. But the best chef is having a talent. एक chef है रणवीर बरार. उसने उसकी मैं एक दिन story सुन रहा था जो auto मतलब जैसे कोई बताता है. वो कहता मैं एक time ऐसा था I was in urge of taking my life. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा chef नहीं है. इसका ये मतलब है कि he is not a good restaurant owner. आज की डेट में जो रणवीर बरार है वो यूट्यूब में चैनल चलाता है मिलियंस फॉलोअर्स हैं बहुत अच्छा काम करता है लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो अपना नाम देता है और उसकी रॉयल्टी लेता है राइट नाउ ही हैज चेंज्ड द वे ऑफ वर्क ठीक अच्छा चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि आपने बड़े सारे लोगों की कुंडली और उस पे काम करते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो इस यंग एरा में वन ऑफ द यंगेस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग जैसे आपने काम भी करा तो आपने जब मार्क ज़करबर्ग की कुंडली पे काम करा तो आपने क्या एलिमेंट्स पाए इन जनरल एंड अदरवाइज स्पेसिफिक
कि जी मेटा के शेयर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और एट अ वेरी अर्ली एज ही हैज बीन एबल टू एक्युमुलेट दैट वेल्थ. तो ऐसा क्या स्पेसिफिक हमारे को उस कुंडली में हम देख पाए? आई हैव मेक अ चेकलिस्ट और चेकलिस्ट ऑफ 21 पॉइंट्स इन एस्ट्रोलॉजी. ओके. वो 21 पॉइंट्स की चेकलिस्ट को बनाने के बाद मैंने उसको एक मार्किंग स्कीम में डाल दिया. ओके. मतलब एक हाइपोथेसिस मार्किंग स्कीम. ओके. वो हाइपोथेसिस मार्किंग स्कीम में मैंने जितने भी अच्छे लोग हैं जो वेल्थ को अटेन कर पाए या बना पाए, उनको मैंने उन मार्किंग स्कीम में रखा. एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग अ गुड मार्क्स. ओके. तो उसमें और कौन से ऐसे फैक्टर्स जो आपने देखे बड़े कॉमन लाइन? वो 21 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है पंचांग. ओके. पंचांग में ही अपने 5 फैक्टर्स है. अच्छा. तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण. ओके. तिथि मतलब द साइज ऑफ मून. मून का साइज रोज चेंज होता है. न्यू मून में 0 मून साइज होता है, फुल मून में फुल मून होता है. अकॉर्डिंग टू मी उन फैक्टर्स की बात करूं, द बिगर द मून साइज द बिगर द वेल्थ. अच्छा. जितना जब आपका जन्म हुआ है उस दिन जितना बड़ा चंद्रमा होगा उतने ज्यादा वेल्थ आपका योग बन जाए. बस इसमें एक एक्सेप्शन है. अच्छा. मून साइज हाफ नहीं होना चाहिए, डॉट अष्टमी नहीं होनी चाहिए. अच्छा. और एकदम फुल नहीं होना चाहिए, फुल से थोड़ा सा कम या फुल से थोड़ा सा ज्यादा. कुछ पॉइंट्स हैं इनको एक्सेप्शन पॉइंट्स कह सकते हैं जिसमें वो फ्लक्चुएटिव कर देता है चीजों को. ओके. बट द ग्रेटर द मून साइज द ग्रेटर द वेल्थ. अच्छा. एक पॉइंट है. ओके. फिर हमारा जो वार होता है, हम किसी वार में पैदा होते हैं, किस पर्टिकुलर डे में, जो प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है. अगर वो वार पति हमारी कुंडली में अच्छा है, अच्छा माने अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है और राजयोग में किसी तरह इन्वॉल्व है. ओके. बहुत अच्छा हो गया. अच्छा. इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, लेट्स से अगर कोई आदमी कोई भी एक दिन हम पकड़ लेते हैं, आई वॉज बोर्न ऑन सैटरडे. ठीक है. शनि के दिन मेरा जब शनि की दशा हुई है, मेरा शनि बहुत अच्छी राशि में बैठा हुआ है. ठीक है. ठीक है. मेरा जब शनि की दशा शुरू हुई, I was running a loss business, but I started learning astrology because of my startup failure. I started learning astrology because of my startup failure. That's the way Sunny works. Okay. Sunny गिराता है और फिर आपको, फिर वो कहता है कि तू किस वजह से गिरा है, अब तू उसको रिसर्च कर और ऊपर बढ़. अच्छा. शनि का रूलिंग का तरीका ही है. Right. हर बंदे का प्यार करने का तरीका अलग होता है ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो शनि का प्यार करने का तरीका ये है, पहले परीक्षा लेगा. परीक्षा के बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा. उसके बाद आपको आगे बढ़ाएगा. ऑलराइट. अच्छा. तो अगर आप जैसे फुल मून की बात चल रही है और हम बात कर रहे हैं वेल्थ और मनी के संदर्भ में, तो क्या ये चीज ड्राइव करती है स्टॉक मार्केट के अंदर भी? मून का इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? फुल मून के डे में स्टॉक मार्केट हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज करती है. अच्छा. और नो मून के डे में भी अपने डायरेक्शन को चेंज करती है. मैं चार्ट दे दूंगा आपको. रियली ऐसा होता है? मैं अभी आपको चार्ट दे दूंगा. आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दिस. हर फुल मून के डे में और हर नो मून के डे में इन अ शॉर्टर टर्म, मतलब छोटे चार्ट्स में मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है. बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज? ऐसे तो मार्केट डायरेक्शन तो फ्लक्चुएट तो करती रहती है रैंडमली भी. आपको चार्ट दूंगा ना. अच्छा. आपको R&D का चार्ट दूंगा पिछले कुछ सालों का. हाँ. आप चेक कर लेना. मतलब वहां पर आपको मेजर डिसरप्शन मिलेगा? मतलब नहीं, चेंज ऑफ ट्रेंड. अच्छा. ट्रेंड ही चेंज होगा? चेंज ऑफ ट्रेंड मतलब अगर कोई शेयर गिर रहा है. हाँ. तो गिरना रुक जाएगा. अच्छा. बढ़ रहा है तो बढ़ना रुक जाएगा. ओके. चेंज ऑफ ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि 100 की चीज 10 रुपए की हो गई. हाँ. मतलब वो 90 से 100 की तरफ जा रही है. हाँ. अब 100 पे रुक गई वो. तो अभी जो रिसेंटली नैसडैक पूरा का पूरा गिरा, उसमें कहीं ना कहीं आपने एस्ट्रोलॉजिकल कुछ स्टडी करी कि कुछ निकल के आया? मैंने 28 जुलाई को. हाँ. ये पॉडकास्ट हो रहा है, आज क्या डेट है? आज हमारी है जी 12 अगस्त. 12 अगस्त 28 जुलाई को मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था कि स्टॉक मार्केट्स गिरने वाली है, निफ्टी के संदर्भ में डाला था मैंने. ठीक है. ये मैंने पोस्ट इसलिए डाला था, उसके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस थे और सब कुछ अगस्त में ही हुआ है. ओके. सब कुछ अगस्त में ही हुआ है. 3 से 5 अगस्त, 6 अगस्त के बीच में सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन हुई है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट. हाँ, बिल्कुल हुई है. यस, हुई है. करेक्ट. इसी दौरान मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ था. इसी दौरान मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ था.
इसको अगर हम थोड़ा सा इजी सिंपलीफाई करने में ऑडियंस के लिए समझना चाहें तो उससे हम क्या मतलब समझते हैं? मर्करी रेट्रोग्रेड का मतलब है एज पर अपीयरेंस, एज पर अपीयरेंस फ्रॉम अर्थ जियोसेंट्रिक पॉइंट, हमें ऐसा लगता है मर्करी उल्टा चल रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, कोई प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, ये मैं आपको बता दूं, हमें लगता है वो उल्टा चल रहा है क्योंकि रिलेटिव मान लो दो गाड़ियां चल रही हैं या एक ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चल रही है और खंबे है या पेड़ है, हम ट्रेन से बाहर देखेंगे हमें लगेंगे वो ट्रेन पीछे जा रहे हैं। इट्स अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से एज अ विजन हमें लगता है वो रेट्रोग्रेड हो गया, लेकिन द डे द मर्करी बिकम रेट्रोग्रेड द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। 3 से 6 अगस्त के बीच में मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ था। अच्छा, यहाँ मैं एक, मेरे को क्योंकि आपने बोला था थोड़ी और क्यूरियोसिटी आ गई, बड़े सारे लोग होते हैं दे आर डूइंग वंडरफुल इन स्टॉक मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात को हम 2 मिनट हटा देते हैं कि मार्केट बहुत बहुत वोलेटाइल है, इस बात को 2 मिनट भूल जाते हैं। अगर हम वोलेटिलिटी को साइड रख दें, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं स्टॉक में, क्या उनके लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई टिप्स नेविगेशन का काम कर सकती है? जहां उनको ज्ञान पूरा है वो अच्छा कर रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजी उनको ये नेविगेट कराए कि भाई आज थोड़ा धंधा कम करियो या आज छोड़ दे मत करियो, इज देयर अ टिप फॉर दैट? इज देयर अ डे बाय डे नहीं हो सकता, लेकिन ये नेविगेशन मंथ बाय मंथ या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के हिसाब से दी जा सकती है। अच्छा, दी जा सकती है डे बाय डे नहीं। अच्छा? आप एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर से रोज नहीं पूछ सकते आज मार्केट कैसे जाएगी। एक डायरेक्शन पॉइंट देखी जा सकता है कि ये पॉइंट है, यहाँ से अब ये गिर सकती है। मैंने 2 बार ऐसा किया अपनी लाइफ में, मैं एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वेयर आई एम रॉन्ग। मैं रिसर्चर हूँ एस्ट्रोलॉजी का, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टैम्प कि मैं हर चीज सही बताता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरा ये मानना है कुछ, जैसे मैंने मई में बोला था स्टॉक मार्केट गिरेगी जी, अब मैंने आपको बोला है अगस्त में स्टॉक मार्केट गिरेगी, ऐसे ही मैं आगे के मंथ्स में भी अपना अपडेट डालूंगा। जिन जिन महीनों में कोई मेजर चेंजेस आते हैं प्लैनेट्स में, जिन जिन महीनों में एक्लिप्स होता है, अच्छा, तो वहां पर भी स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होती है एक्लिप्स पे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होती है। और हिंदू में एक होता है अधिक मास, अधिक मास को मल मास भी बोलते हैं, एक मंथ एक्स्ट्रा होता है। 2020 में भी आया था अधिक मास और 2023 में भी आया था। हर अधिक मास में अगर एक्लिप्स आ जाए तो मेजर डाउन करेक्शन आती है। अच्छा। और अधिक मास में अगर एक्लिप्स मतलब ग्रहण ना आए तो करेक्शन आती, लेकिन मेजर नहीं आती। अच्छा, 2-4-5% की करेक्शन को मेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन जब 2020 का जो करेक्शन हुआ था स्टॉक मार्केट में, तब ग्रहण और अधिक मास और ग्रहण एक ही साल में कंबाइन हो जाते हैं। अच्छा, द मोर द नंबर ऑफ ग्रहण्स, द मोर द नंबर ऑफ अधिक मास एंड द मोर द नंबर ऑफ, ये वर्ड किसी को नहीं पता, क्रांति साम्य को महापाद भी कहा है पराशर जी ने। अच्छा, ये भी इक्वलेंट टू ग्रहण होता है। क्रांति साम्य का क्या होता है एग्जैक्टली? ये द सेम लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून। ओके, इसको एस्ट्रोनॉमिकली समझना पड़ेगा। हाँ। लेकिन इसको महापात और क्रांति साम्य बोला है। ओके, जब सन एंड मून का लॉन्गिट्यूड 180 या 360 के कैलकुलेशन में आ जाए तो इसको बोलते हैं क्रांति साम्य। इसमें भी बड़े फ्लक्चुएटिव इफेक्ट आते हैं, फ्लक्चुएशन समझते हो ना, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्रांति साम्य, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, और पूर्णिमा अमावस्या एंड इक्विनॉक्स। अच्छा, इक्विनॉक्स जो चारों डेट्स होती है इक्विनॉक्स की, इनमें स्टॉक मार्केट में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, अच्छा, जहां हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज में वैसे वो सक्षम है, बट उनके पास कभी भी 1 रुपया भी ठहरता नहीं है, देयर इज नो सेविंग व्हिच कीप्स ओवर देयर। आप उनका नेचर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मगर क्या इसको किसी भी लेवल पे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली कोई चीज ड्राइव हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। क्या होती है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नहीं ठहरता? देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस ना करूं तो हमें सेकंड हाउस देखना है। ओके, ठीक है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी सेव्ड।
ओके ठीक है, लेकिन अगर डीप एनालिसिस करो तो वही 21 पॉइंट्स, ओके वो 21 पॉइंट्स विद मार्किंग स्कीम, उसमें आपको समझ आ जाएगा, उसमें तो ये भी समझ आ जाएगा ये पीरियड टाइम अच्छा है और ये पीरियड बुरा है। Okay. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके 10 साल बहुत अच्छे जाते हैं जिंदगी के, लेकिन उसके बाद बुरा जाता है। मेरे फादर, मैं अपने फादर की बात बताऊं, बिफोर 1997 ही वाज हैविंग अ एफ्लुएंट क्लास लाइफस्टाइल, फ्रॉम 1997 टू 2018 ही वाज हैविंग अ लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स ही इज नाउ गॉन अप टू अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। तो एफ्लुएंट क्लास से आप लोअर मिडिल क्लास आ गए एक ही लाइफ में ना, एक ही लाइफ में। 1963 बॉर्न है वो, 73 83 93, तो फर्स्ट 33 इयर्स ही वाज इन एफ्लुएंट, मतलब पहले बचपन को छोड़ के, मतलब आफ्टर 20 टिल 33 ही वाज इन एफ्लुएंट, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास तक टच कर लिया, अब वो जाके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में वापसी आए हैं। तो एक ही लाइफ स्पैन में कितने चेंजेस आ गए। Correct. तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के कई लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, राइट और वो चेंजेस भी तो एस्ट्रोलॉजी ही बताएगी। ओके आज अगर कोई अमीर नहीं है तो 10 साल बाद भी वो अमीर नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। Correct. और अगर आज कोई पुअर है तो 10 साल बाद वो अमीर हो सकता है, और आज कोई अमीर है तो 10 साल बाद वो नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हमारे पास बड़े सारे ऐसे एग्जांपल है। अगर हम बात करें सिंपल अंबानी फैमिली में, देयर इज अ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, पूरी दुनिया सिर्फ वही 4-5-7 लोगों की बात करती है। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, इन इंडियन कंटेक्स्ट, अगर टुडे समवन इज अ मिलियनेयर आल्सो, मतलब किसी के पास 85 का डॉलर है ना, 8.5 करोड़ पे भी है, तो वो एक अच्छा मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी सकता। हाँ। बिल्कुल जी सकता। देखें, लीड अ डिसेंट अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, चलो मिडिल क्लास तो मान लेते हैं। हाँ, 100%। मिडिल, तो हम इससे ये बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। देखो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सबको एकदम हाई एंड क्लास लाइफस्टाइल चाहिए। हाँ, ठीक बात है, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मनी इज नॉट फॉर कंज्यूमिंग, मनी इज फॉर हैविंग योर, मतलब इट्स अ शो ऑफ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इट्स अ शो ऑफ, इट्स अ प्रेस्टीज गेम। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इट्स अ प्रेस्टीज गेम। तो इसमें हम एस्ट्रोलॉजी में ये देख लेते हैं कि वो किस लेवल पे बिलोंग करता है। ओके, राइट। और अगर वो मिडिल क्लास लेवल पे बिलोंग करता है तो एक मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास लेवल का आदमी भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है, बेटर देन मेनी हु आर इन अपर मिडिल और एफ्लुएंट क्लास, राइट। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि एस्ट्रोलॉजी हमें इस चीज में भी नेविगेट करती है, और अगर करती है तो व्हाट इज योर एडवाइस एंड लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं अपने आप को वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फील्ड में, और उनको कभी कभी ये बताया जाता है कि यार तुम इस फील्ड में नहीं, यू बेटर वर्क इन दिस फील्ड, आप ज्यादा जल्दी और इजिली वेल्थ को टच कर पाओगे। तो क्या इस भी इस नेविगेशन में भी एस्ट्रोलॉजी मदद करती है? बिल्कुल किया जा सकता है। ओके, लेकिन आप ये मान के चलो अगर वो किसी भी फील्ड में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो उस फील्ड में पहुंचा। ओके, अगर मैं स्टॉक मार्केट फील्ड में गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में गया, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में आया, तो वो जो जर्नी है वो अगर वो डेस्टाइंड थी, वो डेस्टाइंड थी। अगर मुझे किसी ने फाइनेंशियल लॉस या धोखा नहीं दिया होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब मैंने स्टार्ट किया अपना स्टार्टअप, नहीं दिया होता तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता क्यों? बहुत बढ़िया बात है। तो आप जो बोल रहे हैं तो फिर इट सम्स अप इनटू द फैक्ट व्हिच आई ऑलवेज लीड बाय कि रब जेड़िया रंगाए चराजी। बिल्कुल, दैट्स हाउ इट इज, टाइम ही कम होता है, बट आफ्टर दैट आल्सो आई विल कर्म करना होगा, कर्म करना होगा और अपना एक नेविगेट मैप देखना होगा। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप एक मीटिंग में जा रहे थे और बम्पर उतर गया, तो बम्पर को तार से बांध के मीटिंग तो अटेंड करो। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। गेट द जॉब डन फर्स्ट, गेट द जॉब डन ना, बिल्कुल ठीक बात है। आप लेट थोड़ी जाओगे कि अब मैं मीटिंग में ही नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, आदमी को अनसर्टेनिटी को तो एम्ब्रेस करना ही आना चाहिए। अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना ही एस्ट्रोलॉजी है। बहुत सुंदर बात। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को वो 21 पैरामीटर्स पे करा, तो जब हमारी बात हो रही थी तो आपने जैसे कि बिल गेट्स का भी चार्ट स्टडी करा, तो बिल गेट्स के आपको ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ में व्हाट डिड यू फाइंड? ही इज आल्सो फुल मून। अच्छा, फुल मून है बिल गेट्स, ही इज वन डे बिफोर फुल मून। हां, मतलब वही हो गया एक तरीके से जो आप बता रहे थे। ओके, एंड मार्क जकरबर्ग इज 7 आवर्स बिफोर फुल मून।
अच्छा इंदिरा नूरी इज वन डे बिफोर फुल मून ओके ऐसे हम देख सकते हैं तो क्या क्या इससे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा फॉर लॉट ऑफ यंग पेरेंट्स चीजें अपने हाथ में नहीं होती बट कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सही सवाल के जा रहे हो आप कि आदमी कंसीव ही तभी करे ताकि जो बर्थ ऑफ द चाइल्ड हो वो नियरली फुल मून के आसपास हो फुल मून इज वन ऑफ द फैक्टर ओके फ्रॉम 21 फैक्टर्स वो पंचांग का एक फैक्टर है फुल मून ओके इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2-3% ऑफ द टोटल वेल्थ का जो सिनेरियो है अच्छा लेकिन मैं आपको बताता हूँ पराशर जी ने वेद व्यास जी को जब कंसीव किया था राइट दैट वाज द डे ऑफ रवि योग ओके रवि योग कब बनता है रवि योग तब बनता है जब सूर्य के नक्षत्र और चंद्र के नक्षत्र में सर्टेन डिफरेंस होता है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस है वो बनेगा ही नो मून से सिक्स्थ डे पे अच्छा नाइन्थ डे पे टेंथ डे पे 13th डे पे और नो मून से फिर वो बनेगा 20th डे पे ओके बनेगा ही तो सिक्स्थ डे वाले का मून का साइज बड़ा है नाइन्थ का उससे बड़ा है टेंथ का उससे बड़ा है 13th का सबसे बड़ा है और 20 वाले का भी बड़ा है तो इसमें सिक्स्थ वाला रवि योग को छोड़ दो तो बाकी सब फुल मून के पास जाते जाते बिल्कुल बड़े होते जा रहे हैं तो पराशर जी इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि व्हेन यू हैव टू कंसीव जस्ट फाइंड अ रवि योग अच्छा फॉलोड बाय योर साइकिल डेट्स ओके फॉलोड बाय योर साइकिल डेट्स अगर रवि योग बन रहा है तो उन डेट्स पे कंसीव करने की कोशिश करो राइट आपका जो प्रोजेनी होगी वो अच्छी होगी उसके और भी 100 फैक्टर्स देखने हैं लेकिन वन ऑफ द फैक्टर ये है ओके कि जिससे ऑटोमेटिकली वेल्थ में दे विल गेट अ लॉट ऑफ पुश वेल्थ वर्ड ना करते हो कंफर्ट वर्ड करेंगे कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि बहुत खराब हो जाएगा मतलब कि किस चीज की अकाल बिल्कुल अकाल ऐसा नहीं होगा हाई तो अगर, रही है। अगर गोली चली भी तो बंदा मरेगा नहीं इम्यूनिटी तो होगी ओके राइट उसको झेल जाने की राइट तो अभी जैसे बड़े सारे लोग होते हैं जो लेट्स से दे आर सैलरीड एंड दे आर इन अ पर्टिकुलर जॉब टिपिकल ठीक है उनके पास कोई बहुत बड़ा होराइजन नहीं होता वहां से बढ़ने के लिए कुछ लोग अपॉर्चुनिटी में दे आर अपॉर्चुनिस्टिक कि उनको जगह ही ऐसी मिल जाती है जहां से उनको पता है मैं आगे बहुत आगे निकल सकता हूं मेहनत से बट मैं बात कर रहा हूं जो लोग टिपिकल एक जॉब उसमें है उनकी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन ब्लॉक कर जाती है या प्रमोशन या कोई भी चीज उसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे नेविगेट करती है एंड व्हाट कुड बी द हेल्प एस्ट्रोलॉजी कैन गिव एस्ट्रोलॉजी किसी को भी चाहे वो बड़ा आदमी है चाहे वो छोटा आदमी है चाहे वो सबसे छोटा आदमी है उसको एक पॉइंट पे हेल्प कर सकती है लेकिन एस्ट्रोलॉजी को मिरेकल समझना ही बेवकूफी है ओके एस्ट्रोलॉजी को मिरेकल समझना ही बेवकूफी है आई गॉट अ प्रिडिक्शन और गाइडेंस फ्रॉम जस्टिस जशन कपूर इन 2016-17 कि 19 से तेरा टाइम अच्छा हो रहा है अच्छा 19 से तेरा टाइम अच्छा हो रहा है सुंदर बात है आपको जस्टिस से मिली दैट मींस समबडी हु हिमसेल्फ इज सो लॉजिकल उन्होंने ही दी एस्ट्रोलॉजी का पर जस्टिस से कोचा ही उस कांड की वजह से ना अच्छा, जो मेरे साथ हुआ अच्छा अच्छा ओके फॉलोड बाय सम सॉर्ट ऑफ लिटिगेशन फॉलोड बाय एस्ट्रोलॉजी फॉलोड बाय अच्छा ये जस्टिस भी है एक्स जस्टिस थे उस टाइम तो रिटायर हो चुके थे मतलब उनको रिटायरमेंट को भी टाइम हो गया था लेकिन आई हैव सीन द ओनली पर्सन जिसकी बुक शेल्फ में लॉ के अलावा एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं अच्छा तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि 2019 से बेटर टाइम आ रहा है आई गॉट अ वेरी ग्रेट मेंटर इन दैट टाइम डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा अच्छा जी उन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई ओके वेरी नाइस एक मुझे गाइडेंस के लिए भी बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया और मुझे टीचिंग के लिए भी बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर आई एम ब्लेस्ड विद टू गुरुस वंडरफुल ठीक है एंड उसके अलावा मैं उससे पहले कम से कम कई 100 एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका था ऑल ऑफ देम वर फेक इन द सेंस इंटेंशनली फेक ना हो लेकिन नॉलेज की उनकी एक लिमिट थी राइट दे वर यूज्ड टू कि तेरे को ये है हर बंदा स्टोन रिकमेंड कर देता था हर बंदा कोई ना कोई उपाय रिकमेंड कर देता बट दे वर लॉजिकली करेक्ट और ये चीज मेरे को लगा कि यार मतलब इतना लॉजिकली वो कैसे करेक्ट हो सकता है राइट
तो अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल मैं पैसे को यंगस्टर के संदर्भ में देखूं, क्या एस्ट्रोलॉजी का एज वाइज भी कुछ इम्पैक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी एंड वेल्थ? बिल्कुल। कैसे ये कैसे काम करता है? इसका एक मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि सन इज आर आत्मा। बिल्कुल ठीक। सूर्य अगर हमारे चर राशियों में हो, चर राशि का मतलब वेरिएबल राशिज या चेंजेबल राशिज, ये होती हैं 1, 4, 7, 10 एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन में अगर सन हो और फर्स्ट 15 डिग्रीज में हो तो आपकी सक्सेस का रेशियो अर्ली एज में आ जाता है। अच्छा। अर्ली एज में आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। ओके। और यही सूर्य आपका फिक्स्ड और द्वि स्वभाव राशि मतलब वेरिएबल पॉइंट पे हो तो आपका जो सक्सेस का रेशियो लेट हो जाता है, 30s तक चला जाता है। ओके। ये एक पॉइंट है। अच्छा। एक हमारी कुंडली में होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, इसका बड़ा ग्रेट रिसर्च किया है ऋषि जेमिनी ने, आत्मकारक। अच्छा जी। आत्मकारक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे करियर में भी, हमारे फाइनेंस में भी। ओके। करियर और फाइनेंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो आत्मकारक का जब टाइम आता है उसके लिए आत्मकारक का अच्छा होना जरूरी है। आत्मकारक क्या होता है एग्जैक्टली? आत्मकारक इज द हाईएस्ट डिग्री होल्डिंग प्लैनेट इन आवर कुंडली। अच्छा जी। मेरी कुंडली में एक आत्मकारक ग्रह है। हाँ। वो शनि है। अच्छा, मतलब ओके, स्पेसिफिक जो कोई स्पेसिफिक ग्रह जो सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे स्ट्रांग, उसको आत्मकारक, आत्मकारक कहेंगे। अगर वो आपके कुंडली में फ्रेंडली राशि में बैठा है और बाकी ग्रहों से संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, ग्रहों के भी आपस में रिलेशन होता है, एक ग्रह दूसरे ग्रह से एनर्जी ट्रांसमिट रेजोनेट कर रही है, हाँ, उस रेजोनेट एनर्जी जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसको बोलते हैं दृष्टि संबंध। हाँ, बिल्कुल। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस अगर मेरे घर के सामने वाले घर में रहता है और हम दोनों जब बालकनी में एक दूसरे को देखते हैं, हाय करते हैं, तो क्या कोई पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे रोक सकता है? मतलब ऑब्वियसली आपकी भी एक इनडायरेक्ट अनसेड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी। हाय हेलो ही बहुत है ना। तो यही है वो शनि अगर अच्छे कारक ग्रहों के साथ जो कुंडली में मुझे देने आए हैं, जो मेरे लिए अच्छे हैं कुंडली में, उसके साथ रिलेशन बनाता है तो वो वेल्थ को भी बढ़ाता है, वो हेल्थ को भी बढ़ाता है और वो लिटिगेशन को भी शांत रखता है। ओके। और वो आयु को भी बढ़ाता है। right. और इसका अपोजिट हो गया जो नेगेटिव ग्रह है जिनको मैं मारक ग्रह बोलता हूँ, मैं क्या पराशर जी मारक ग्रह की श्रेणी में डालते हैं, अगर उनके साथ वो कारक मैच कर गया, कारक का मारक के साथ मिलन हो गया, तो एक चीफ मिनिस्टर है जेल चला गया। अब चीफ मिनिस्टर होना तो कारक है, जेल जाना मारक है। एक आदमी है जिसकी मिस यूनिवर्स से शादी हुई लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, उनका डाइवोर्स हो रहा है, तो मिस यूनिवर्स से शादी होना तो कारक है लेकिन शादी ना चलना मारक है। तो कारक और मारक का मिक्सर हो गया। बिल्कुल ठीक है। यू हैव सीन द पर्सन विद गुड वेल्थ, प्लेजरफुल वाइफ एंड इन वेरी लग्जरी कार इज ऑल्सो क्राइंग। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो दिस इज दी एनर्जी ट्रांसमिटिंग ऑफ कारक ग्रह एंड मारक ग्रह। और कारक का हो गया तो उसमें हो सकता है वेल्थ का रेशियो ना ज्यादा हो लेकिन किसी और चीज का रेशियो ज्यादा हो, कंटेंटमेंट आ जाए, मतलब स्पिरिचुअलिटी आ जाए। करेक्ट करेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं अनुकूलता अगर नहीं है तो वो किसी ना किसी तरीके से कोई फॉर्म में भी डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर बात करें खासकर वेल्थ पे, बहुत सारे लोगों का होता है कि उनके पास लिक्विड वेल्थ नहीं होती, बट लेट्स से दे हैव रियल एस्टेट, बहुत कुछ होता है, लेट्स से जमीनें बहुत है, इसको तो, ऐसे नहीं लेते। हाँ। इसको बोलते हैं वेल्थ मेकर एंड द पर्सन हु टेक प्लेजर ऑफ द वेल्थ, दे आर टू थिंग्स। करेक्ट। नेटफ्लिक्स क्या कहता है? नेटफ्लिक्स कहता है जिन लोगों के अकाउंट से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है या जिन लोगों के कार्ड से नेटफ्लिक्स का पेमेंट की जाती है वही लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखते। तो मतलब जिसके कार्ड से, अगर मेरे कार्ड से नेटफ्लिक्स का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया तो मेरी वाइफ देखेगी, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे माँ बाप देखेंगे उस नेटफ्लिक्स को, मैं ही नहीं देखूंगा। एक क्रिएटर है, एक प्लेजर लेने वाला है। हाँ, तो आप कौन हो? कभी कभी आप क्रिएटर भी हो और आप प्लेजर भी ले रहे हो। राइट। कभी कभी आप सिर्फ क्रिएटर हो और कभी कभी आप सिर्फ प्लेजर ले रहे हो। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, ये आपको अपनी कुंडली में देखने पड़ेंगे। ओके। अगर आपकी वेल्थ
लीनेज की वजह से आ रही है, इनहेरिटेंस की वजह से आ रही है. आप तो प्लेजर प्लेजर हो, राइट, लेकिन आपने इनहेरिटेंस खो दी और फिर आपको फ्रॉम ग्राउंड जीरो क्रिएट करना पड़ा, तो फिर आप अपनी उम्र के सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत प्लेजर ले लोगे, लेकिन प्लेजर फिर आपके बच्चे लेंगे, राइट. तो यू हैव, ये सब चार्ट में नजर आ जाता है. ओके, अच्छा, जहां पर अभी आपने बड़ी देर से हमने बात करी, तो आपने शुरुआती संदर्भ से करा था वेल्थ का, कि देयर इज अ चेकलिस्ट जो आपने क्रिएट करी है, और उस चेकलिस्ट में आप एक, आपने पंचांग से शुरू करा था जहां मून की बात कर रहे थे, तो अगर हम बड़ा क्विकली रन थ्रू करना चाहें उस पूरी चेकलिस्ट को. I got help creating from my mentor. मतलब आपके mentor से आपको वो सिद्धांत मिला और आपने करा. तो अगर हम जल्दी से बोले, बिल्कुल सटीक तरीके से उस checklist को run through करें, तो वो exactly points हैं क्या क्या? वो points हैं 21 points हैं total. ठीक है. पहला point है पंचांग. ठीक है जी. The Vedic calendar. Okay. उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं. ठीक है जी. उसको टोटल मिलते हैं 10 मार्क्स. ऑलराइट. 100 मार्क्स की अगर वेल्थ लिस्ट है, तो 10 मार्क्स पंचांग. सारे व्यूअर्स को मैं कहूंगा जो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत स्ट्रांग है, जस्ट टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड यू कैन टेक अ स्ट्रांग नोट ऑफ दिस. ओके, 10 मार्क्स पंचांग के 10 नंबर हो गए. ठीक है जी. अब पंचांग में किसी को मान लो 10 में से 8 मिल गए. हां, जकरबर्ग के 8 हैं, बिल गेट्स के 9 हैं. अच्छा जी, वेरी नाइस. उसके बाद होता है पंचांग का ही पार्ट है, पंचांग के स्पेशल योग्स होते हैं, बुरे भी अच्छे भी. अच्छा. जैसे रवि योग बताया ना आपको, ये योग एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे देता है उसको. अच्छा. सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्वि पुष्कर योग, त्रि पुष्कर योग, ये पंचांग की वेल्थ को और बढ़ा देते हैं. अच्छा. लेकिन इसके साथ विषकन्या योग और ज्वालामुखी योग, ये कम कर देते हैं. उसके बाद आता है आनंदी योग. वो मीनिंग बुरा भी हो सकता है, वो मीनिंग अच्छा भी हो सकता है. अगर वो मीनिंग बुरा है तो 0 नंबर दे दो, और वो मीनिंग अच्छा है तो 1 नंबर दे दो, तो 11 नंबर. ठीक है. ये एग्जैक्टली है कौन सा जो आपने बताया अभी? आनंदी योग को हम कैसे हम समझे, आनंदी योग हमें कैसे पता लगे? इट्स अ लिस्ट प्रोवाइडेड इन पराशर ओरा शास्त्र एंड यू कैन गेट इन नेट आल्सो. आनंद आदि योग. ठीक है, आनंदी योग, राइट. नेक्स्ट फिर आता मुहूर्त. ये आनंद आदि योग का ही बड़ा पार्ट है, जिसमें 45 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. उसमें भी एक पराशर जी ने एक पॉइंट दिए हुए हर मुहूर्त के. वो अगर अच्छा है तो वो पॉजिटिव है, वो बुरा है तो वो नेगेटिव है तो 0 दे दो, अच्छा है तो फुल नंबर दे दो. और अगर बीच का है, कभी कभी बीच का भी होता है, तो आधे नंबर दे दो. ठीक है जी. उसके बाद आता है लगन नक्षत्र लॉर्ड एंड एवरी हाउस हैज अ नक्षत्र. मिड पॉइंट ऑफ हाउस जो हमारा होता है, उसको किसी ना किसी नक्षत्र में होता है. उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो हमारी कुंडली में कैसे बैठा है. ओके, इसका पॉइंट हो गया. फिर हम देखते हैं नवमांश, द्वादशांश, त्रिमसांश, द्रेशकांड और षष्ठ्यांशा. ये 5 चार्ट्स जो कुंडली के साथ हमारे, इसको वर्क चार्ट कहते हैं. ओके. इनको डीपली एनालिसिस करना होता. अच्छा. फिर हम लगाते हैं सुदर्शन चक्र दशा इन सन चार्ट. सन को लगन में रख के, मतलब असेंडेंट में सन को रख के, सन चार्ट, मून चार्ट एंड असेंडेंट चार्ट, ये 3 चार्ट को असेस करना होता. ओके. इसके अपने 5 पॉइंट है. ओके. फिर हमारी ही कुंडली में एक होरा लगन होता है, एक घटी लगन होता है, एक विघटी लगन होता है, एक आरूढ़ लगन होता है, इसको पद लगन भी कहते हैं. अच्छा. इन चारों चार्ट्स को देखना है, इनके भी 5 नंबर है. बिल्कुल ठीक. फिर अप्रकाशित ग्रह जो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखता. मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो इस अप्रकाशित ग्रह को देखते भी हैं. अच्छा. क्या ये क्या है अप्रकाशित? ये शैडो प्लैनेट्स कहते हैं इनको. शैडो प्लैनेट्स जिसे वी कैन कॉल इट एज अ ब्लैक होल. एंड जैसे गाड़ी चलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो हर प्लेनेट एक गैस ही तो है. Yes. जैसे सन है, वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का मिक्सचर है. Bilkul. लेकिन वो उसका बाय प्रोडक्ट एक निकलता है नेगेटिव, उसको बोलते हैं धूम. धूम का मतलब होता है धुआं. तो धुआं मतलब सन की गैस का एक बाय प्रोडक्ट. हाइड्रोजन हीलियम मिक्स होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, हीट होती है. तो उनका नाम है धूम, गुलिक, इंद्रचाप, परिवेश, उपकेतु. ये ऐसे कुछ उपग्रह कहते हैं इनको.
इनको बड़ा ढंग से एनालाइज करना है. फिर एक इंदु लगन होता है. अच्छा. इट्स वेरी एसेंशियल फॉर वेल्थ. ऐसी तारा लगन होता है, वेरी एसेंशियल फॉर वेल्थ. जितने भी राजयोग हैं कुंडली में उनको देखना है. अच्छा जी. और उनको एनालाइज करना है और उनको क्वांटिफाई भी करना है. ओके. मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी चीफ मिनिस्टर बन के भी आप राजयोग ले ही नहीं पा रहे उस चीज का. भोग नहीं पा रहे. भोग ही नहीं पा रहे. और फिर उसके बाद अष्टवर्ग होता है. अष्टवर्ग को ढंग से एनालाइज करना होता है. तो इन सबके सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इनके 100 पॉइंट का एक मार्किंग सिस्टम बना है. एक एक मेरे मन में राजन जी बात आ रही है, मतलब मैं इसको रिसेप्टिवली सुन पा रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग देखिए जिनकी एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को ग्रोथ करने की रुचि है, उनके लिए तो ये मैं समझता हूँ बहुत सुंदर है. बट एक आदमी जो एस्ट्रोलॉजी को जस्ट एक सिंपल नेविगेशन की तरह यूज करना चाह रहा है, तो वो आए और नेविगेशन ले और चला जाए. अच्छा. मतलब सिंपल, वो सिर्फ किसी एक सीख करे गाइडेंस. इफ आई इफ आई एम हैविंग अ पेन, आई कांट start become studying. I can't become a doctor. I will go to doctor. Yes. Pay him the fees. Right. And take my medicine. Right. कभी कभी मेडिसिन रिपीटेडली लेनी होगी. Right. लेकिन फिर भी केमिस्ट ये कहते हैं ना, डॉक्टर से पहले पूछ लो. Right. तो एस्ट्रोलॉजर का काम ही नेविगेशन देना. Very nice. जैसे हर प्लैनेट किसी किसी सिग्निफिकेंस को दर्शाता है. कोई स्पेसिफिक प्लैनेट है जिसपे जब हम बात वेल्थ मनी की करते हैं तो उस प्लैनेट का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें? फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड. ओके. ये तीनों का बहुत बड़ा हाथ होता है. 11th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, इन पांचों प्लैनेट्स को कारक प्लैनेट कहा जाता है. ये किसी ना किसी तरह हमें वेल्थ देने के ही काम आते हैं. ओके, वेरी नाइस. देन वीनस एंड जुपिटर आल्सो. अच्छा. ओके, वीनस एंड जुपिटर आल्सो. ओके. अच्छा, हमने वेल्थ पे बड़े सारे चीजों को टच करा. अगर हम वेल्थ से थोड़ा सा आगे बढ़े, जो आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत लोगों की, अगर हम बात करें सेक्स की, काम वासना, क्या एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ सेक्स को भी ड्राइव करता है? क्योंकि हम ये देखते हैं किसी किसी लोगों में तो सेक्स वासना बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी में वो बिल्कुल शांत होती है. तो क्या इसका एस्ट्रोलॉजिकल वाइब्रेशंस की वजह से भी ये कारण होता है कि किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत कम है? हमारी कुंडली की सारी डिजीजेस, सारी प्रॉब्लम्स सब एस्ट्रोलॉजी से है. अगर वो एस्ट्रोलॉजी से ना हो तो एक ही माँ बाप के जो 3-4 बच्चे होते हैं वो सेम ही हो, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही चक्की का आटा खा रहे हैं, एक ही रोटी खा रहे हैं, एक ही गेहूं खा रहे हैं. बट कपूत और पूत दोनों निकलते हैं. कपूत और पूत दोनों निकलते हैं. बिल्कुल. जेनेटिक्स भी सेम है. हाँ. तो क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट का ही फर्क है ना. ओके. एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स और हम कह सकते हैं जो उसकी नर्चरिंग हुई है, फर्क. नर्चरिंग तो सेम होगी ना, बट संगति कभी कभी ऐसा भी होता है ना, चीज अनमॉनिटर्ड. मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही स्कूल में जा रहे हैं ना चारों बच्चे, एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं और पेरेंट्स सबको एक ही तरह के संस्कार दे रहे हैं. ठीक बात है कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट सबके लिए सेम करा. चारों अलग अलग निकलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं. करेक्ट. मैं और मेरी बहन अलग है, आप और आपका भाई अलग है, ये तो कन्फर्म है ना. क्यों है? एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये ना उसके पीछे. ओके. अब आपने पूछा सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी. हाँ. एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ सेक्स के. पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. हाँ, हिस्ट्री. बिल्कुल, बिल्कुल. हिस्ट्री में जाते हैं. बिल्कुल. शुक्र को गॉड ऑफ, शुक्र को प्लेजर से मतलब माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में. हमारी जिंदगी के जितने प्लेजर्स है. हाँ, शुक्र वो शुक्र है. शुक्र मनी नहीं है, शुक्र प्लेजर है. प्लेजर, प्लेजर बड़े सारे फॉर्म्स में आता है. हाँ, लेकिन प्लेजर का जो सबसे बड़ा फॉर्म है वो है ऑर्गेजम. हाँ. और वो भी शुक्र से ही है. हाँ. ऑर्गेजम इज नथिंग बट इन मेल टर्म रिलीजिंग ऑफ स्पर्म. बिल्कुल ठीक है. इन वेरी मतलब नटशेल. करेक्ट. बिल्कुल ठीक है. स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु. बिल्कुल ठीक. तो हुआ क्या था, वैदिक खता बताता हूँ आपको. शुक्र वॉज द गुरु ऑफ दैत्य. दैत्यों के गुरु थे शुक्र. शुक्र थे. अब महर्षि भृगु के बेटे थे शुक्र. तो शुक्र के पास कई सिद्धियां थी. संजीवनी सिद्धि भी थी उसमें से, और किसी को मोहित करने की सिद्धि भी थी. मोहित को मतलब अट्रैक्ट. राइट. हनी ट्रैप. तो शुक्र गया कुबेर के पास इन इंटेंशन की मैं अपने ये जो दैत्य हैं
इनके लिए कुछ वेल्थ लाना है विद सम मैनिपुलेटिव टेक्निक। कुबेर को मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, कुबेर को उसने दोस्त बना के उसको मैनिपुलेट किया और उसको ट्रैप किया कि शुक्र तेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू ही शुक्र है और शुक्र ही तू है, और उससे एक तरह का संकल्प ले लिया। तो उस संकल्प के चक्कर में कुबेर ने शुक्र को बोल दिया कि जो मैं हूं वही तू है, और कुबेर ने अपनी सारी वेल्थ खो दी और शुक्र सारी वेल्थ को लेके दैत्यों के पास चला गया। एंड कुबेर रियलाइज्ड जब उसके वो नशा उतरा, क्योंकि शुक्र ने उसको प्लेजर से ही हनी ट्रैप किया था ना, या हिप्नोटाइज किया था ना, नशा उतरा। तो उसको उसकी वाइफ कहती कुबेर की, ये तुमने क्या किया? तो उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ फाइटिंग, दिस इज द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट एंड गो टू त्रिदेव, गो टू शिवजी। तो कुबेर शिवजी के पास जाके कहता कि शुक्र ने अपनी सिद्धि का गलत फायदा उठाया है, मुझे उसने हनी ट्रैप किया, हिप्नोटाइज किया, दोस्त बनाया और धोखा दिया और वेल्थ ले गया। तो शिवजी को गुस्सा चढ़ा, शिवजी ने बड़ी सांस ली और शुक्र जहां पे भी था वहां से आता हुआ सीधा शिवजी के अंदर, बैली के अंदर। और बैली के अंदर हमारी अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जटाग्नि। जटाग्नि मतलब एसिड, एसिड में जलता जा रहा है शुक्र। और शिव जी ने अपने सारे होल्स बॉडी के बंद कर लिए कि बाहर ना निकल पाए। शुक्र ने बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद विद 2-3 अटेम्प्ट्स फेल, उसने कोशिश करनी बंद कर दी एंड ही स्टार्टेड महामृत्युंजय मंत्र इनसाइड दी बैली एंड जटाग्नि ऑफ शिव जी। और महामृत्युंजय मंत्र के साथ उसने पार्वती जी का मंत्र भी शुरू किया। तो तपस्या करता रहा तो पार्वती जी ने बोला, ये हमारी तपस्या कर रहा है, इसकी सजाए खत्म हो गई है, इसको दंड मिल गया है, मतलब नाउ ही हैज टू रिवर्ट द मनी एंड मतलब ठीक है अब जो होना था मतलब हो गया। तो पार्वती जी की रिक्वेस्ट में और शिवजी ने उसको अपने स्पर्म जेनिटल से बाहर निकाला। अच्छा, शुक्र का नाम कभी शुक्र था ही नहीं। शुक्र का नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग उशानु था। अच्छा, तो उसका नाम शुक्र पड़ा ही जब वो शिवजी के जेनिटल से बाहर निकला, शुक्राणु। हाँ, शुक्राणु के तौर पे निकला, तभी उसका नाम शुक्र पड़ा। ओके। और शुक्र को पार्वती जी ने बोला, ये मेरा बेटा है क्योंकि ये आपके शुक्राणु से बना है। Okay. अब नया फॉर्म आ गया ना उसका। हाँ। शुक्राणु इज इक्वल टू स्पर्म। हाँ। स्पर्म इज इक्वल टू ऑल द सेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द ऑर्गेजम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द प्लेजर बिकॉज ऑफ सेक्स। जो अगर हम अपनी अपील अच्छी करते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ। एक माइंड में थॉट होता है। हाँ। वो थॉट किस चीज का होता है? हाँ। वो थॉट शुक्र का ही तो होता है। वो थॉट शुक्र का ही तो होता है। तो पार्वती जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तू मेरा बेटा है आज से। अच्छा। दुर्गा माता, पार्वती माता, संतोषी माता और किसी भी फॉर्म गौरी माता। हाँ। फ्राइडे को तेरी पूजा होती है। ओके, शुक्र का दिन है वो। शुक्र का दिन। हाँ। तो अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो जस्ट ट्रीट अ लेडी विद रिस्पेक्ट। अच्छा, वेरी नाइस। जस्ट ट्रीट अ लेडी विद रिस्पेक्ट जो वो है। अगर इसका ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि अपनी पत्नी को सारा धन दे दो। हाँ। अगर तुम्हारा शुक्र खराब है, अगर तुम्हारा सेवंथ हाउस खराब है तो वही तुम्हें हनी ट्रैप करके चली जाएगी, ऐसा नहीं करना। जस्ट ट्रीट अ लेडी विद अ रिस्पेक्ट। द लेडी इन योर लाइफ मे बी मदर, मे बी मासी, मे बी बुआ, शुड फील ब्लेस्ड दैट यू आर हियर एंड नॉट विद मनी ओनली। करेक्ट, मतलब एक भाव होता है। आप किसी को टाइम भी दे सकते हो। बिल्कुल, भाव होता है आपका एक। तो ये एक सोचने का तरीका है। तो ये आपने बड़ी सुंदर एक कहानी कथा जो बताई, तो आप ये बैकग्राउंड बता रहे थे, तो अब सवाल पे अगर हम आए कि हाउ एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ ड्राइव्स द ओवरऑल सेक्स ऑफ समबडी, किसी की वासना बहुत ज्यादा किसी कम, तो यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं जिसकी ज्यादा है उसका शुक्र बहुत तेज है।
शुक्र अगर मार्स के साथ या सैटर्न के साथ कंबाइन करता है मल्टीपल चार्ट्स में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में D60 तक चार्ट्स होते हैं, डिवीजन 60 तक होता है, मल्टीपल चार्ट्स में अगर शुक्र शनि या मार्स के साथ मल्टीपल चार्ट्स में नजर आ रहा है या शुक्र किसी मारक प्लेनेट के साथ नजर आ रहा है, तो हमारी सेक्स ड्राइव या सेवंथ हाउस और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो हमारी सेक्स ड्राइव मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो सकती है, हमारी वासना बढ़ सकती है, हमारी कंपैक्टिबिलिटी भी शुक्र और या सेवंथ हाउस से ही चेक होती है विद अनदर पार्टनर। अच्छा, मैं आई एम दी ओनली एस्ट्रोलॉजर इन दिस वर्ल्ड जो मैरिज कंपैक्टिबिलिटी के लिए तो लोग करते हैं मैचिंग ऑफ कुंडली, आई कैन डू ओनली फॉर सेक्सुअल कंपैक्टिबिलिटी। अच्छा और यू विल बी अमेज्ड कि कितनी ज्यादा रिसर्च है इस चीज में। ओके बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता चेकिंग द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इसका टेक्निकली संदर्भ देखा जाए तो ये गलत नहीं है, मगर क्योंकि आज के एरा में जब हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं जहां ऑलरेडी सेक्स लोगों के माइंड को ड्राइव कर रहा है, तो ये और ज्यादा इस चीज को गलत दिशा में ले जाता है। सही और गलत हर सिचुएशन में चेंज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, ठीक है, मेरे घर में नॉनवेज और लिकर का मतलब माय ग्रैंडफादर यू शुड टेक, ठीक है, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम द मारवाड़ी फैमिली, शी गॉट बीटन बाय द फादर बिकॉज शी एट नॉनवेज। ओके, अब सेम कॉन्सेप्ट है, मेरे घर में किसी ने नॉनवेज खाया तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके घर में किसी ने नॉनवेज खाया उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको मारा। दो शादियां करना हिंदुस्तान में लीगल था हिंदू मैरिज एक्ट से पहले, अब इलीगल हो गया। लिकर लेना, भैरव बाबा को लिकर चढ़ती है तो भैरव बाबा के मंदिर में वही लिकर प्रसाद है, लेकिन वैसे वो लिकर खराब भी है। चार शादियां करना कुछ धर्मों में अलाउड है, कुछ धर्मों में नहीं अलाउड, किसी धर्म में एक पर्टिकुलर मांस खाना अलाउड नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये जो भी आप चीजें बोल रहे हैं लोगों ने बड़े लेवल पे सोसाइटी में इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर लिया ऑन देयर कन्वीनियंस। वो ट्वीक करना पड़ता है एज पर व्हेन यू आर रोम यू हैव टू बी लाइक रोमन्स ओनली ना। नहीं वो ठीक है बट यू आर राइट, बट कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने कम्फर्ट के स्टेक पे पूरी की पूरी वो कहते हैं कि किसी भी रंग का चश्मा पहना देता है लोगों को एंड अंधा बना देता है, तो वो तो गलत कर ही रहा है। जो मैनिपुलेट कर रहा है चीज को वो गलत कर रहा है, लेकिन स्टैंडिंग एट अ रेड लाइट वेटिंग एट अ रेड लाइट इज अ धर्म, बट व्हेन यू आर टेकिंग समवन टू हॉस्पिटल देन वेटिंग एज अ एट अ सेम रेड लाइट इज अ धर्म, तब तो आपको रेड लाइट तोड़नी पड़ेगी। करेक्ट, स्वर्ग में पहुंचा दिया चित्रगुप्त ने, तो लक्ष्मण कहता है यार ये क्या, ये तो गलत साइड से लड़ रहा था। कहते इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन तू राम के लिए लड़ रहा था, तू राम की सही साइड के लिए नहीं लड़ रहा था, तू राम के लिए लड़ रहा था, तू राम की सही साइड के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने भाई के लिए लड़ रहा था, तू अपने भाई के लिए लड़ रहा था, तो उसने भाई धर्म तो निभाया। बिल्कुल ठीक है, आज मेरा भाई बोल दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया जो उसका धर्मा ब्रदर के लिए था वो उसने फुलफिल किया, अगर आज मेरा कोई भाई बोल दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया लोग मुझे मार रहे हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ गलती किसी की भी हो मुझे अपने भाई को ही बचाना है ना। बट ऐसा शास्त्र हर जगह बोलता नहीं है कि भाई को ही बचाना है, शास्त्र तो भगवान कृष्ण तो ये बोलते हैं कि जो अधर्म, अगर ऐसा ही होता तो फिर तो पूरी महाभारत ही क्यों रची जाती। करण को आज भी नेगेटिव करेक्टर तो नहीं बोला गया ना। नहीं नहीं, बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव बोला जाता है करण को। करण को फिर भी नेगेटिव करेक्टर नहीं बोला गया। करण अगर नेगेटिव होता, किसी का नाम सुना है दुर्योधन? नहीं, वो किसी का नाम सुना है शकुनी? नहीं, लेकिन सुना। हाँ, लेकिन करण नाम तो सुना है ना। करण नाम बिल्कुल सुना है आपने, बट कहने का मतलब है इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू अ पर्सपेक्टिव, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ पर्सपेक्टिव, तो द्रोणाचार्य वाज अ ग्रेट टीचर एंड ही विल बी द ग्रेट टीचर इवन इफ ही सॉ द चीरहरण ऑफ द्रौपदी। वो उसने देखा, उसने रोका नहीं, वो उसका नेगेटिव पॉइंट जरूर था, वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा, वो उसका नेगेटिव पॉइंट जरूर था, लेकिन अर्जुन किसकी वजह से था? द्रोणाचार्य की वजह से। तो हर बंदे के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। करेक्ट, और द्रोणाचार्य कहता है कि जिसका मैंने नमक खाया है, जिसने मुझे उस धर्म की फीस दी है,
जो दुर्योधन की साइड पहुंच गई, कहता मुझे उसके साथ ही लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मेरा क्लाइंट बोले कि मेरे को डाइवोर्स लेना है, तो मैं अपने क्लाइंट को हाँ ये जरूर बोलूंगा कि तू डाइवोर्स मत ले, लेकिन वो अड़ी जाए तो आई एम द लॉयर, आई एम नॉट दी टीचर। आपका तब एज अ लॉयर धर्म ये है कि उसकी प्रॉब्लम को जिसके लिए सॉल्व करो, सॉल्व करो। राइट, ट्रू। धर्म अपना पूरा कोर्स चेंज कर लेता है सिचुएशन चेंज होते ही। धर्म अपना कोर्स चेंज कर लेता है सिचुएशन चेंज होते ही। और ये मैं बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट में बात कर रहा हूँ। नहीं, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रूथ एंड वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट, इसमें कोई वो नहीं है कि आपका जो धर्म है। जान लेना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर राम जी ने कहा अपने पहले गुरु विशिष्ट जी को कहा था कि किसी स्त्री की जान नहीं लूंगा, पहली उन्होंने शस्त्र जिस पे चलाया वो तारका थी, क्योंकि जो उनके दूसरे गुरु थे राम जी के जिन्होंने शस्त्र विद्या दी ऋषि विश्वामित्र, वो कहते स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता, जो आदमी कल्याण का बुरा कर रहा है, कल्याण नहीं कर रहा, वो जो राक्षस है, जो तामसिक है, जो अच्छा नहीं है, उसको आपको रोकना है। अगर वो वैसे नहीं रुक रहा तो आपको शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें आप स्त्री या पुरुष नहीं देख सकते। राइट, और धर्म मतलब आप जो कह रहे हैं दिस इज वेरी ट्रू इन अ वे, बट हाँ ये बात ठीक है कि आपका जो जिस समय जो धर्म है दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, यही कर्म का विधान है कि वन हैज टू स्टिक बाय द धर्म, जो आपका धर्म बनता है। आपका धर्म क्या बनता है ये कभी कभी आप चूज ही नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल नहीं कर पाते, ये फैक्ट है। आदमी उस चक्रव्यूह में फंस जाता है और उस चक्रव्यूह को भेजना बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाता है कि भाई मेरा धर्म है क्या, मेरा धर्म है क्या। बिल्कुल ठीक बात है। तो राजन जी मतलब बहुत इंटेंसिटी से मतलब जिस बातों पर हमने चर्चा करी, ऑन दी टेकिंग इट टू दी वेरी जहाँ खत्म होते होते, कुछ अगर मैं आपसे बोलूं कि इस संदर्भ को अगर हम बांधना चाहें एस्ट्रोलॉजी के, सारे लोगों को जहां पर एक नेविगेशन, इजी सुपर इजी नेविगेशन टूल मिल सके अपनी लाइफ में, जो लोग मनी वेल्थ को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू ऑल ऑफ देम। हमारा एक तिथि लॉर्ड होता है। ठीक है जी। वो तिथि लॉर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे तृतीय तिथि के होते हैं गौरी माता, चतुर्थी के गणेश जी, पांचवे के नाग जी, नाग फॉलोड बाय शिव जी, क्योंकि नाग शिव जी ने धारण, षष्ठी के कार्तिकेय जी, सप्तमी के सूर्य भगवान जी, अष्टमी के फिर शिव जी, नवमी की दुर्गा माता, ओके, दसवीं के यमराज, एकादशी के कृष्ण जी विष्णु जी, द्वादशी के कृष्ण जी, त्रयोदशी के कामदेव फॉलोड बाय शिव जी, ओके, चतुर्दशी की फिर काली माता, पूर्णिमा के चंद्र, प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, और अमावस्या के हमारे एंसेस्टर्स। ये जो हमारा जो तिथि है ना, जिस तिथि में हम पैदा हुए हैं, इस तिथि के जो लॉर्ड है उनकी पूजा करो, उन्हीं का दान करो, उन्हीं का जो आप सोचो ना दान क्या हो, उनको कौन सा दान पसंद आएगा, ये जो रेमिडीज होती हैं, और प्लस अपने आप को प्लेजर वासना से बचाओ, या अपने आप को मतलब यू हैव टू फाइंड अ वेरी क्लटर फ्री वे टू फाइंड योर गोल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्लेजर, इन टर्म्स ऑफ ऑल दी हैप्पीनेस इन दी वर्ल्ड। राइट, वो सब लाने के बाद, और एक एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्टेंसी ली जा सकती है। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर से तो डेफिनेटली ली जा सकती है, बट आपने एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ईजी वे एटलीस्ट ये जरूर डिस्कस करा कि भाई आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते, और आप ज्यादा, पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, किसी का नहीं है, कोई नहीं मानता, कोई मानता है, बट हाँ द मोस्ट इजिएस्ट वे इज कि जो तिथि के को रूल करते हैं उन स्पेसिफिक उस तिथि पे आप उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, एक हम्बल जिसे कह सकते हैं, एक भाव से आपने प्रेयर कर ली, उनके लिए कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक मैं इसमें एक दोहा बताऊंगा, रहीम ने एक बड़ा अच्छा दोहा बोला है वेल्थ के पर्सपेक्टिव में। वो कहता है रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोनों काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे से मिले ना राम। तो सीधे से जग ना मिले, जग का मतलब है उसका मैटेरियलिस्टिक सुख, हाँ करेक्ट, और राम का मतलब है मतलब इनर इनर वेलबींग। यस, तो अगर आपको दो पैसे कमाने हैं
यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव इन सम सॉर्ट ऑफ. इतने सारे लोग बड़े बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. करेक्ट. मतलब इस मैनिपुलेटिव वर्ड को अगर हम और सिंपल कर दे तो वो कहते हैं दो शब्द होते हैं, क्लेवरनेस और कनिंगनेस. तो यू हैव टू बी क्लेवर नॉट कनिंग. या वो तो चाणक्य नीति भी यही बोलती है. वो यही बोलती है ना. बिल्कुल. वो आपको आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बट अधर्म आपके हिसाब से जो अधर्म है वो नहीं करना. हाँ, इसको मैं अक्सर ऐसे बोलता हूँ, द कंडीशन इज यू हैव टू बी क्लेवर, बट शर्त एक ही है कि आपकी मंशा और इंटेंशन साफ होनी चाहिए. किसी की बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए. हाँ, तो इंटेंशन साफ होगी तभी नहीं लगेगी. बस इट्स ऑल द गेम ऑफ इंटेंशन. किसी की बद्दुआ नहीं. वेरी नाइस, वंडरफुल. आई बिलीव राजन जी, इट हैज बीन वंडरफुल टू हैव यू. और जो आपने वेल्थ पे चीजों को डिस्कस करा, अपनी खुद की करी हुई रिसर्च, इट इज वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल द ऑडियंस, फॉर ऑल द व्यूअर्स. और मैं खुद मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को इस लेवल पे सुनना, डिस्कस करना, आई ऑलवेज लव टू, बिकॉज मैं भी इस चीज को रिसेप्टिवली लोगों से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. एंड वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, अगर अच्छा लगा हो, व्हाट डिड यू रियली फील, क्या आप कनेक्ट कर पाए, डू राइट इनटू द कमेंट सेक्शन. आपके सवाल हो तो लिख देना. वी विल रिक्वेस्ट राजन जी टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट, और आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं. रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी इज ओनली वन थिंग. जस्ट हैव अ क्वेश्चन और उसका लॉजिकल आंसर दो. बिल्कुल सही बात. यही रिसर्च है और कुछ रिसर्च नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अपना भाव. और अगर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन. एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल दिया, जस्ट ज्वाइन दैट सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. राजन जी, आप एक बारी अपने भाव से बड़े सुंदर तरीके से आप भी अपील कर दो सब्सक्राइब की, ताकि जोर पड़ेगा. सब्सक्राइब कर लेना. एंड ही गॉट अ वेरी गुड कंटेंट. थैंक यू. जय श्री राम. जय श्री राम.